हाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। आप हमेशा हमारे वीडियो को देखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोसेस कैसे बना सकते हो। तो आपको पता होगा कि मैंने कई बार अपनी वीडियो में कहा है कि प्रोसेस फॉलो कीजिए, लेकिन मैं आज आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा कि आप अपना प्रोसेस बना कैसे सकते हो। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि आप अपना प्रोसेस कैसे बना सकते हो। तो कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि आप बताते हो कि प्रोसेस फॉलो कीजिए, लेकिन प्रोसेस होता क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जैक्टली किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसेस बना सकते हो। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को आप अंत तक देखें, सो दैट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसे आप समझ पाए, सो दैट आप अपनी ड्रीम्स के लिए प्रोसेस बना पाए और उस प्रोसेस को फॉलो कर पाए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका गोल है, आप आगे सिंगिंग करना चाहते हो, तो आपके लिए जो आइडल होंगे वो अरिजीत सिंह जी होंगे, राइट? तो इस मोमेंट में आपको एक चीज़ काफ़ी ध्यान देना है कि आप जो भी काम करते हो, अगर आप मान लो सिंगिंग में अच्छा करना चाहते हो, तो एक दिन में आप सिंगिंग के शहंशाह नहीं बन जाओगे। एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा जो ऑलरेडी सिंगिंग के दिग्गजों ने फॉलो किया है। तो वो आप एक प्रोसेस बनाते हो जहाँ पे आप अपने आप को बताते हो कि वो कौन से 3, 4 या 5 ऐसे काम हैं जो अगर मैं रेगुलरली करता हूँ बिना कोई दिन का ब्रेक लिए, अगर मैं उस काम को रेगुलरली करूँ तो तब जा कर के मैं उस स्किल में, जिस स्किल में मैं अच्छा होना चाहता हूँ, उस स्किल में मैं काफ़ी अच्छा हो जाऊँगा। तो प्रोसेस में एक चीज़ आप ध्यान देते हो कि प्रोसेस में आप अपने एफर्ट के ऊपर ध्यान देते हो, आप रिज़ल्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते हो कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, लोग मुझे फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे, लोग मेरे साथ सेल्फी लेंगे, ये सारे रिज़ल्ट हैं। आप यहाँ पे ध्यान नहीं देते हो, आप एफर्ट पे ध्यान देते हो। आप ये कहते हो कि वो कौन सा 3 से 5 काम है, यानी कि सुबह उठ के रियाज़ करना, रात को जल्दी सो जाना, डेली जाना प्रैक्टिस करना, डेली अपने क्लास में जाना प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोग्राम्स में गाना गाना। तो ये कुछ 3 से 4-5 काम जो है ये सिंगिंग से रिलेटेड, आप इसे अपने अपने ड्रीम्स में रिलेट कर सकते हो। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये एक काम है, यहाँ पे आप अपने एफर्ट पे ध्यान देते हो न कि रिज़ल्ट पे। तो प्रोसेस में यही देखा गया है कि आप अपने एफर्ट पे ध्यान देते हो। प्रोसेस का मतलब ही होता है कि जो आपकी सक्सेसफुल होने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो भी कुछ काम करना है डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, आने वाले साल में, आने वाले 6 महीने में, उस पर आपका फोकस होता है। आप छोटी छोटी चीज़ों पे केयर करते हो, जिसके बाद जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे केयर करते हो तो आने वाले टाइम में आपको उसका एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है जो कि पॉजिटिव होता है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि जैसे सेम जो आपका ड्रीम है, लाखों लोगों का भी वो ड्रीम है, तो और भी लोग मेहनत कर रहे होंगे, और भी लोग प्रोसेस बना रहे होंगे, और भी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे सिंगिंग में अच्छा होने के लिए। तो जब आप उतना मेहनत करोगे तो कई बारी रिज़ल्ट आपको नेगेटिव में भी मिलता है। कई बारी कोई जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा अच्छा आपसे करते हैं, जैसे कि आप कोई प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ पे आप गाते हैं, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दिया है, पिछले 1 साल से आप अपना प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक कर रहे हो, आप अपने जो भी डेली के काम है उस पर पूरी तरीके से फोकस जमा के रखे हुए हो, फिर भी 1 साल के बाद जब आप जाते हो कॉम्पटिशन्स में तो आप वहाँ पर हारते हो। तो ऐसे समय में आपको स्ट्रेस अगर आप लेते हो तो ज़्यादा देर तक मत लीजिए, और आप इस चीज़ को समझिए गहराई से कि जो इंसान ने आपसे अच्छा किया है, मे बी उसका जो प्रोसेस है, जो मे बी जो उसका रूटीन से जो प्रिपरेशन है वो आपसे अच्छा है। तो इसका मतलब है कि आपको ये समझना है कि आप अभी वर्क इन प्रोग्रेस हो, यानी कि अपने अगर प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यू करते हो ज़्यादा समय के लिए तो आगे चल करके आपको अच्छे और पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। हो सकता है इस रास्ते में अगर आप मान लीजिए 5 साल का प्रोसेस बना रहे हो, तो इस रास्ते में हो सकता है आपको काफ़ी बार जो है रिजेक्शन का सामना करना पड़े, लेकिन जब भी आप रिजेक्ट होते हो तो अगर आप मान लीजिए कुछ पल के लिए डीमोटिवेटेड होना चाहते हो तो आप तो वहाँ पे फिर आपकी जो इमोशंस होती है वो काफ़ी डीप डाउन होती है। तो अगर आप मान लो वहाँ पर डीमोटिवेटेड भी हैं, लेकिन जब आप उस जोन से निकले तो आप अपने आप को ये चीज़ समझाइए कि जो प्रिपरेशन है, जो मेरे रूटीन्स है, जो मेरा प्रोसेस है, वो उन लोगों के मुकाबले थोड़ा कम रह गया जो आज जीत चुके हैं, राइट? तभी जा कर के आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा आपके लाइफ में। तो प्रोसेस से रिलेटेड मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने जो मेरा प्रोसेस बनाया, मैंने उसमें
दो प्रोसेसेस बनाए हैं जिसमें मैंने 3 years और 5 years का प्रोसेस बनाया है। तो अगर मान लीजिए अगर आप एक प्रोसेस बनाते हो, तो अगर आप मान लीजिए उसके अलावा भी एक और प्रोसेस बनाते हो, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 3 years का प्लान किया और 3 years में आपको जो डिज़ायर रिज़ल्ट है वो नहीं मिलता है, तो आप एक और प्लान अभी से बना के रख सकते हो कि मान लीजिए अगर एक 3 साल के मेरे प्रोसेस में मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक 5 साल का प्रोसेस है, तो उसके बाद के जो 2 साल होंगे वहाँ पे आप वो वाला प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बेसिकली मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है यूट्यूब पे, 4 से 5 मिनट की वीडियो में वो आपको काफ़ी मोटिवेट कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मोटिवेशन चाहते हो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उनकी वीडियोज़ को देख सकते हो। मेरे इस चैनल बनाने का उद्देश्य ये है ताकि मैं आपको स्ट्रैटेजी, टूल्स, टेक्निक्स बता पाऊँ, उसे आपको हेल्प कर पाऊँ यूज़ करने के लिए, और साथ ही साथ खुद भी यूज़ कर पाऊँ, सो दैट हम दोनों की ज़िंदगी में परिवर्तन आए। राइट, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप 4-5 मिनट काफ़ी मोटिवेटेड रहें फिर उसके बाद आपको काफ़ी तकलीफ हो आपकी ज़िंदगी में। मैं यही चाहूँगा कि आप प्रॉपर सिस्टमेटिक चीज़ें करें, सो दैट आपको जो रिज़ल्ट हो आप रिज़ल्ट के पीछे ना भागें, आप अपने प्रोसेस और अपने एफर्ट के पीछे भागें, जिसके फलस्वरूप आप अपनी ज़िंदगी में जो भी डिज़ायर रिज़ल्ट चाहते हो लॉन्ग टर्म में वो डिज़ायर रिज़ल्ट आपको मिले। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आपके जो भी क्वेश्चन है प्रोसेस से रिलेटेड वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि वीडियो में कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करनी है या नहीं करनी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।